जगदीश प्रसाद। प्रदीप किस तरीके का आक्रमण किया जा रहा है? ये एक चिटफंड कंपनी आगरा से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है और अपना ऑफिस बंद कर दिया है इसने। और काफी नाम लीजिए कंपनी का, हजारों लाखों लोगों का इन्वेस्ट है और ये कंपनी पिछले 2-2.5 साल से ऑफिस बंद करके भाग गई है और किसी का पेमेंट नहीं कर रही है। ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से इसने ऑफिस खोला था संजय पैलेस में और करोड़ों रुपए आगरा से अपने एजेंटों के माध्यम से ठगा है इसने। तो अब ये किसी का भी भुगतान करने को तैयार नहीं है। कौन कौन लोग शामिल थे उसमें? मुख्य रूप से आगरा की टोटल जनता ही है। आज जो बैनर में फोटो थे कौन कौन थे? ये कंपनी के मालिक श्याम चंद्र थे, ईसाई सरकार सीएमपी और दीपक पॉल प्रमोटर राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर जो पश्चिम बंगाल का पुलिस कमिश्नर है वो इनको संरक्षण दे रहा है। किस तरह से विरोध जताया है? हमने अपना विरोध जताया है कि ये इसको संरक्षण न दे और हमारा भुगतान कंपनी करे। देखो बताओ क्या नाम है? फरीद था। फरीद कितने रुपये कंपनी लेकर बाकी है? कम से कम 27 करोड़ रुपया लेकर आगरा। 100 करोड़ है आगरा का। फरीद का नाम है मेरा और कम से कम 100 करोड़ रुपया लेकर कंपनी ग्रीन टच के नाम से संजय पैलेस में ऑफिस खोला था। उसने कंपनी के संचालक मालिक सब करा रहे हैं इस समय और कलकत्ता भी प्रशासन उसको सपोर्ट कर रहा है, संरक्षण दे रहा है। आपने आगरा में शासन प्रशासन से गुहार लगाई थी? आगरा में सब जगह हमारी FIR है, कम से कम 27-28 FIR हो चुकी है और पूछताछ के लिए भी पुलिस गई है। पुलिस वहाँ से गुमराह होकर चली जाती है, वहाँ के लोग भगा देते हैं सड़क से देकर उनको। अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला और ना कोई हमें पैसे मिलने की कोई उम्मीद दिख रही है। तो हम लोगों ने इसलिए यह आक्रोश जताया कि हमारी सुनवाई हो जल्द से जल्द और हमारी आवाज़ आपने क्या किया? केंद्र सरकार और राज्य सबको विज्ञापन दे चुके हैं हम लोग जो अपने खून से लिखकर बस यही मांग रखी है कि हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस हो और अन्यथा हम लोग पुतला जलाया। क्या जलाया? पुतला जलाया पुतले बनावा।